तेलंगाना में गृह मंत्री अमित शाह का ताबड़तोड़ प्रचार, निजामाबाद और हैदराबाद में करेंगे रोड शो, कांग्रेस और केसीआर सरकार पर जोरदार हमला। तेलंगाना में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का रोड शो और मिर्चल में जनता को किया संबोधित, कहा राज्य में पूर्ण बहुमत से बनेगी बीजेपी की सरकार। तेलंगाना के विकाराबाद में असम के सीएम हेमंत बिस्वा सरमा का चुनावी रोड शो, भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और आम लोग हुए शामिल। हिमाचल के हमीरपुर में अनुराग ठाकुर ने कहा पीएम ने विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की, ये यात्रा देश की करीब 2.5 लाख पंचायतों में जाएगी। बैंकॉक में विश्व हिंदू कांग्रेस 2023 कार्यक्रम में शामिल हुए संघ प्रमुख मोहन भागवत, कहा विश्व एक परिवार है और हम सभी को आर्य बनाएंगे। अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया हॉट कुक्ड मील योजना का शुभारंभ, 3 से 6 साल के बच्चों को आंगनबाड़ी में मिलेगा गर्म खाना। यूपी विधानसभा में शीतकालीन सत्र में पेश होगा अनुपूरक बजट, बजट में कल्याणकारी और विकास योजनाओं पर रहेगा खास फोकस। राहुल गांधी के पनौती और पॉकेट मार वाले बयान पर चुनाव आयोग सख्त, नोटिस जारी करके 25 नवंबर तक मांगा जवाब। कांग्रेस के ट्वीट पर बीजेपी नेता राम कदम का बयान, कहा जनता 2024 में इसका दंड इन्हें जरूर देगी। संजय राउत का बयान, कहा पनौती शब्द किसी व्यक्ति के लिए नहीं बोला गया, बीजेपी को इसे दिल पर नहीं लेना चाहिए। चुनाव आयोग के नोटिस पर मनीष तिवारी का बयान, कहा चुनाव आयोग बेहद पक्षपातपूर्ण व्यवहार कर रहा है। राहुल गांधी पर धर्मेंद्र प्रधान का निशाना, कहा राहुल और गांधी परिवार का काम देश के निर्णय के खिलाफ गाली देना। ईसी के नोटिस पर अशोक गहलोत का बयान, कहा हर कोई जानता है कि बीजेपी नेताओं ने चुनाव प्रचार के दौरान क्या क्या कहा था। मध्य प्रदेश कांग्रेस को ऑपरेशन लोटस का डर, 26 नवंबर को पार्टी के सभी उम्मीदवार भोपाल बुलाए गए, उम्मीदवारों से चर्चा करेंगे कमलनाथ। महुआ मोइत्रा का समर्थन करने पर अमित मालवीय का ममता बैनर्जी पर आरोप, कहा ममता बैनर्जी ने हमेशा भ्रष्टाचारियों और अपराधियों का बचाव किया है। ममता बैनर्जी पर निशिकांत दुबे का निशाना, कहा इंडी गठबंधन का इतिहास, उन्हें दाऊद इब्राहिम जैसे भ्रष्ट और देशद्रोही पसंद। राजौरी में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा ने दी शहीदों को श्रद्धांजलि, आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए थे 5 जवान। राजौरी में जवानों के शहीद होने पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जताया दुख, कहा 5 सैन्यकर्मियों की शहादत से बेहद दुखी हूं। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत 4 दिसंबर तक बढ़ी, चिकित्सा आधार पर बढ़ाई गई जमानत अवधि। उत्तरकाशी में रेस्क्यू पर सीएम धामी का बयान, कहा बचाव अभियान तेज गति से चल रहा है, जल्द ही सभी बाधाओं को पार कर लेंगे। सीएम धामी ने पीएम मोदी से फोन पर की बात, प्रधानमंत्री ने दिए जरूरी दिशा निर्देश, पीएम ने कहा बाहर निकलने पर श्रमिकों के स्वास्थ्य की बेहतर जांच हो। आज फिर सरकियारा सुरंग साइट पर पहुंचे जनरल वीके सिंह, रेस्क्यू ऑपरेशन का लिया जायजा। सचिन पायलट की प्रदेश के मतदाताओं से मतदान की अपील, कहा राज्य में कांग्रेस के पक्ष में है माहौल। जालंधर में गन्ना किसानों ने रेलवे ट्रैक भी किया जाम, प्रदर्शन के कारण 11 लोकल ट्रेनें रद्द, सीएम भगवंत मान से गन्ने की कीमत बढ़ाने की मांग की गई।